जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। झारखंड को फिर से एक नई वंदे भारत की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस रूट पर वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, रांचीवासी को तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि रांची हटिया पूरी वंदे भारत से पहले रांची वाराणसी वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। दूसरी ओर 21 नवंबर को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी झारखंड आ रहे हैं। वे रांची होकर चकरदरपुर रेल मंडल अंतर्गत कार्यक्रम में शामिल होंगे। उम्मीद है कि रेल मंत्री रांची वाराणसी वंदे भारत को चलाने की तिथि स्पष्ट कर दे। उम्मीद यह भी है कि यह वंदे भारत अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले चलाई जा सके। दिसंबर माह तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो जाता है। रांची पटना रांची हावड़ा वंदे भारत के बाद रांची वाराणसी वंदे भारत तीसरी ट्रेन के रूप में शामिल हो जाएगी। फिलहाल रांची रेल मंडल प्रशासन रेलवे प्रशासन द्वारा रांची वाराणसी वंदे भारत कब से चलेगी इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार वंदे भारत में 8 कोच चेयर कार वाली 8 कोच वाली वंदे भारत इस रूट पर भारतीय रेलवे चलाने वाली। वर्तमान में रांची से वाराणसी के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन सोमवार मंगलवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार को हो रहा है। यह ट्रेन 8:10 पर रांची से रवाना होती है और 13:15 का समय ले दूसरे दिन 9:25 पर वाराणसी पहुंचाती है। वंदे भारत का परिचालन भारतीय रेलवे इस रूट पर कर दे रही है तो लमसम आपको 13 घंटे से भी कम समय में आपको वाराणसी आप पहुंच जाएंगे। रांची पूरी वंदे भारत से पहले रांची वाराणसी वंदे भारत चालू हो ताकि भोले बाबा के दर्शन हो जाए। रेल मंत्री झारखंड आ रहे हैं, कुछ न कुछ जरूर नया समाचार मिल जाएगा, संजय सेठ का एक कहा। तो दोस्तों, झारखंड को मिलेगी एक और वंदे भारत जो कि रांची और वाराणसी रूट पर भारतीय रेलवे चलाने की प्लानिंग कर रही है, और रांची वासियों को तीसरी वंदे भारत की सौगात बहुत जल्द मिलने वाली है जो कि रांची हटिया पूरी वंदे भारत से पहले भारतीय रेलवे रांची वाराणसी वंदे भारत चला सकती है। इस पर जानकारी निकल कर सामने आ रहा है और बहुत जल्द आपको इस रूट पर वंदे भारत का परिचालन देखने को मिल सकता है। भारतीय रेलवे इस पर तैयारियां लमसम पूरी कर ली है। भारतीय रेलवे द्वारा कोई नोटिफिकेशन अभी इस पर ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले भारतीय रेलवे इस रूट पर वंदे भारत की परिचालन शुरू कर दे। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।